गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड एन वी सांगवान। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और अर्निंग अच्छी कर रहे होंगे। आई क्विक शॉर्ट अपडेट, जैसे कि मैंने बताया था मॉर्निंग में, 43,000-44,000 से डॉलर से लेकर 42,000 तक को टच करने को है बिटकॉइन, तो वहाँ की उस स्थिति में आने को है। तो जितने भी दोस्त हैं इस स्थिति में क्या करें, अपनी जो ट्रेड है वो न ले, ज़्यादा ट्रेड न ले, ज़्यादा कॉइन में ट्रेड न लगे ले। उसके बजाय आपको लगे या ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि मार्केट डाउन आएगा, उस टाइम पे मार्जिन कॉल को स्टॉप कर दें जिनके पास फंड कम है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेड को रोक दें। अगर आपके पास एवरेज करने के लिए फंड नहीं है, मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है, वहाँ पे ट्रेड को स्टॉप कर दें। जब लगे कि हाँ स्टेबल वे में है मार्केट, उस स्थिति में फंड जो मार्जिन कॉल है वो ओपन कर दें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जैसे मैंने पहले बताया था, 8-10 दिन के लिए जो है ज़्यादा कॉइन में ट्रेड न लगाएं। USDT को जितना मैक्सिमम हो सके उतना रिजर्व रखें और कम कॉइन में ट्रेड लगा के चलें, मैक्सिमम हो USDT को, क्योंकि ट्रेड तो जितने भी कॉइन में ज़्यादा लगा किसी भी टाइम आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो मार्केट जब तक ये रशिया और यूक्रेन का जो वार की स्थिति बनी हुई है तब तक कुछ वोल्टाइल है मार्केट, बहुत ज़्यादा कभी अप जो हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, डाउन आने के चांस ज़्यादा होते हैं इस स्थिति में। बस ये ये मान के चलिए कि प्लस पॉइंट यही है अपने लिए कि जहाँ पे रसिया हो, यूक्रेन हो या अदर हो, स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे टोटली बंद हो गए थे और जितने भी अदर एक्सचेंज थे शेयर मार्केट के, फॉरेक्स मार्केट के, बंद कर दीजिए और वहाँ की जो ट्रांजेक्शन है वहाँ की करेंसी में, लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन रोक दी गई थी। वहाँ पे लोगों को बस सारा है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, डिजिटल करेंसी का, इसलिए वहाँ के जैसे भी कि अपडेट डाला था मैंने कि जो रसिया के लोग हैं वहाँ अनऑथराइज तरीके से वहाँ पे मतलब 10-10, 20-30 हज़ार डॉलर प्लस में वहाँ पे बाइंग की है लोगों ने, ऐसी अपडेट आई थी जो मैंने आपको टेलीग्राम फेसबुक पे शेयर की थी। तो इस स्थिति में जो क्रिप्टो मार्केट है वही लोगों के सामने आ रहा है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, कोई रोक नहीं सकता है, किसी भी में पीयर टू पीयर सिस्टम होता है। तो एक छोटा सा क्विक अपडेट था, होप आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही शॉर्ट अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक्स ऑल।